करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कह रहा है कि इफ आर एक्स वाई, तो मतलब जो आर है कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, ये है आर और एक्स कॉमा वाई, और इधर है पी, जैसा कि ये कह रहा है ए कॉमा बी, और इधर है क्यू पॉइंट, और ये है बी कॉमा ए। तो यहाँ पे जो रेशो है ये नहीं दे रखा है, सिर्फ इसने क्वेश्चन में कहा है कि इफ आर एक्स वाई इज अ पॉइंट ऑन अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी ए कॉमा बी एंड क्यू बी कॉमा ए, देन प्रूव दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, और इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, क्योंकि इसने एक रेशो नहीं दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम के इज़ टू वन रेशो ले लेते हैं, या तो आप m इंटू n भी ले सकते हो, या m1 m2 जैसा भी आपको लगता है उस हिसाब से आप रेशो ले सकते हो, बट सॉल्यूशन का तरीका वही सेम रहेगा और दोनों में ही आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, k इज़ टू वन का रेशो ले रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम सेक्शन फार्मूला को यूज़ करेंगे तो ये जो आर एक्स वाई है, तो सबसे पहले हमें इसे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और जो भी यहाँ पर गिवन पार्ट रहता है सबसे पहले वो आप लिख लिया कीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी रहता है कि जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखो, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन का ही पार्ट होता है। तो यहाँ पर जो पी है ये ए कॉमा बी है, और जो क्यू है ये है बी कॉमा ए, और यहाँ पे है आर एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पर जो हमने रेशो ले रखा है ये रेशो है के इज़ टू वन रेशो, मतलब एम वन और एम टू। तो यहाँ पर अगर हम सीधे सीधे अगर सेक्शन फार्मूला लगाए तो बाय सेक्शन फार्मूला जो ये आर एक्स वाई है ये हो जाएगा एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन में एम वन प्लस एम टू, और इसी तरीके से इधर y के लिए लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो जैसे कि यहाँ पर हमको जो ये k रेशो ये 1 दिया हुआ है, तो एक्चुअली में ये क्या है, ये m1 रेशो m2 है जो कि है k इज टू 1। तो यहाँ पे अगर हम इसकी जगह पे रिप्लेस करें तो ये आ जाएगा M1, ये है K, और जो X2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं इस P पॉइंट के लिए जो पहला पॉइंट है तो ये X1 Y1 हो जाएगा, और जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे ये हो जाएगा X2 और Y2। तो यहाँ पे अगर हम X2 लिखें तो X2 हो जाएगा B, तो K इंटू B प्लस इसी तरीके से M2 अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1, और जो X1 है तो ये हो जाएगा A अपॉन में m1 प्लस m2 k प्लस 1, फिर कॉमा, फिर m1 यहाँ पर k है, और जो y2 है ये है a प्लस जो m2 है यहाँ पे ये है 1, और जो y1 है ये है b, और नीचे इसी तरीके से सेम k प्लस 1, तो ये आ गया हमारा आर एक्स वाई आर एक्स कॉमा वाई। अब इसको अगर हम सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा के बी और प्लस ए के प्लस वन, और इसी तरीके से यहाँ पे है के ए और प्लस बी अपॉन में के प्लस वन। तो अगर हम यहाँ पर इक्वेट करें एक्स को एक्स के साथ और वाई को वाई के साथ, तो यहाँ पर आप इक्वेट लिखो या कंपेयरिंग लिखो, एक ही बात है, कंपेयरिंग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर अगर एक्स को दिखाएं तो एक्स हो जाएगा के बी और प्लस ए अपॉन में के प्लस वन। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है एक्स को इसके बराबर, अब वाई को भी इसके बराबर लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो y है ये हो जाएगा k a और प्लस b अपॉन k प्लस 1।
इस तरीके से। अब इस दोनों को x और y को हम ले चलते हैं अगली स्लाइड पे और इसको वहीं पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड से हमने x और y यहाँ पे लिख लिया, अब इसको हम करते हैं सॉल्व और k की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर इस x से इस k और 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा के एक्स प्लस एक्स, और इधर जो न्यूमरेटर में है ये है के बी प्लस ए। अब इस k को हम इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा के एक्स माइनस के बी इज इक्वल टू, इधर है a, और इस x को अगर इधर लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा माइनस x। अब k की जो वैल्यू है यहाँ पे अगर हम इसमें से अगर कॉमन निकालें तो अंदर बच जाएगा x माइनस बी, तो हम इसको डायरेक्ट डिनोमिनेटर में लेकर आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये आ जाएगा x माइनस बी, तो ये आ गया k की वैल्यू। इसी तरीके से अगर हम k की वैल्यू यहाँ पे अगर निकालें तो ये आ जाएगा के वाई प्लस वाई इज इक्वल टू के ए प्लस बी, और इस k को अगर हम इधर लेकर आए तो ये आ जाएगा के वाई माइनस के ए, और इधर है b माइनस वाई क्योंकि इधर प्लस है तो इधर आएगा तो ये आ जाएगा माइनस वाई। तो यहाँ पर अगर हम k कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा y माइनस ए जिसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो इसको हम डायरेक्टली लिख लेंगे। तो b माइनस वाई जो कि यहाँ पर पहले से है, और इधर जब हम कॉमन लेंगे तो y माइनस ए हम इसको डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे। तो दोनों यहाँ पर k की वैल्यू है, तो इसीलिए यहाँ पर इस दोनों को ही हम इक्वेट कर देंगे, इस दोनों को हम बराबर रख देंगे। तो देयरफॉर ये चीज़ हम लिख सकते हैं कि a माइनस एक्स और x माइनस बी ये बराबर हो जाएगा b माइनस y अपॉन y माइनस a के। और अब यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके ताकि जो x प्लस वाई है वो एक तरफ आ सके। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखें a माइनस x, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है इससे, तो ये इधर आ जाएगा y माइनस a इज इक्वल टू b माइनस y, और इधर आ जाएगा x माइनस बी। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे तो ये आ जाएगा ए वाई माइनस ए वाई माइनस ए स्क्वायर और माइनस एक्स वाई और प्लस एक्स ए। तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं ए वाई माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस ए एक्स इस तरीके से, और इज इक्वल टू इसी तरीके से इधर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बी एक्स माइनस बी स्क्वायर और माइनस एक्स वाई और यहाँ पे है प्लस वाई बी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो एक्स वाई और एक्स वाई दोनों तरफ है और सेम साइन है, इसीलिए ये कट जाएगा, और जो बाकी बच गया है उसमें से हम एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ, एक्स और वाई को एक तरफ, और बाकी जो बिना एक्स वाई के उसको दूसरी तरफ। तो यहाँ पे ये आ जाएगा ए वाई ए वाई, और इधर से क्योंकि ये वाई बी है तो इसको अगर हम इधर लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा माइनस वाई बी, और यहाँ पर पहले से एक ए एक्स है, और इधर से बी एक्स को अगर इधर लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा माइनस बी एक्स, और इज इक्वल टू इधर है बी स्क्वायर माइनस में, और जब ये इधर आएगा माइनस ए स्क्वायर तो इधर आ जाएगा प्लस में, तो ए स्क्वायर और इधर पहले से ही है माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे y अगर हम कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस बी, और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस बी, और इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी a प्लस बी, आइडेंटिटी हम यहाँ पर लगा लेंगे a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ पे अगर हम a माइनस बी अगर कॉमन लें a माइनस बी, तो यहाँ पर सीधे सीधे ये आ जाएगा y प्लस x इज इक्वल टू ए माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये दोनों सेम है, और इधर ये मल्टीप्लाई में, तो अगर इधर ये डिवाइड में आएगा तो a माइनस बी और a माइनस बी कट जाएगा, तो इससे अच्छा है कि हम इसको यहीं पे कट कर देते हैं, और इसको अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस वाई और इज इक्वल टू a प्लस बी। तो आपने देखा कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसके अंदर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन करने की जरूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है हमें इसके अंदर जो प्रूफ करना था एक्चुअली वो क्या करना था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, और एक क्वेश्चन को हम एक बार और देख लेते हैं क्या हमको यही प्रूफ करना था। तो यहाँ पे हमें जो प्रूफ करना था वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, और हमने यही प्रूफ किया है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिसमें ये फर्स्ट पेज हो जाएगा, और जो सेकेंड पेज है इसका वो मैं अभी करता हूँ, और उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कह रहा है कि अ लाइन इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट द पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो यहाँ पे ये लाइन दिया हुआ है और ये कह रहा है कि ये वाई एक्सिस को पी पे कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, और इसी तरीके से ये एक्स पे इंटरसेक्ट करता है जो कि क्यू पॉइंट है। फिर ये कह रहा है कि अगर इफ़ 2, -5 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो अगर ये पी क्यू जैसे ये लाइन है और उसका एकदम जो मिड पॉइंट है एम, ये 2, -5 है, तो ये कह रहे हैं कि देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू। तो ये जो पी और क्यू है ये कौन से पॉइंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है तो हम जानते हैं वाई एक्सिस पे कोई भी जो पॉइंट होता है ये 0, y के जैसा होगा, इस फॉर्म का होगा। और इसी तरीके से अगर एक्स एक्सिस पे कोई भी जो पॉइंट है तो ये हो जाएगा x, 0। तो एक्स एक्सिस पे x, 0 होता है और वाई एक्सिस पे कोई भी जो पॉइंट होता है वो 0, y के फॉर्म का होता है। तो यहाँ पर ये जो m है ये इस दोनों का ही मिड पॉइंट दे रखा है, तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि इसका जो रेशियो है ये 1:1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम मिड पॉइंट के लिए अगर सेक्शन फार्मूला लगाए तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और सबसे पहले आपको यहाँ पर जो गिवन दैट है, जितना भी ये चीज़ लिखा हुआ, तो ये सब आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है, और वो मैं नहीं लिख रहा, बट यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करूँगा सीधे सीधे। तो ये हो जाएगा बाय सेक्शन फार्मूला फॉर मिड पॉइंट्स। तो मिड पॉइंट के लिए जो सेक्शन फार्मूला होता है हमारे पास में ये होता है m2, -5, और इधर हो जाएगा x1, x2/2 और y1, y2/2। तो यहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये जो 2 है वो इसके बराबर हो जाएगा, तो 2 = ये हो जाएगा x1+x2/2, और जो ये y कोऑर्डिनेट है -5 ये इस y कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा, तो इसीलिए -5 = y1+y2/2। अब यहाँ पर हम वैल्यू प्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 = इसमें से जो ये सबसे पहला पॉइंट है तो इसको हम x1 और y1 मान लेंगे, और जो दूसरा पॉइंट है इसको हम x2 और y2 मान लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इन्हीं वैल्यू को अगर रखें इस x1 की जगह पे तो ये हो जाएगा 0, और फिर है उसके बाद में x2 जो कि है x/2। और अगर हम इसके नीचे इधर सॉल्व करें -5, y1 जो है यहाँ पर इसको हम y लिख सकते हैं और y2 को लिख सकते हैं 0, तो y+0/2। और अगर हम इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो जो x है, जो यहाँ पे x है ये आ जाएगा 2×2=4, और यहाँ पे इस 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें -5 से तो ये आ जाएगा 5×2=10, तो -10। तो जो ये y है ये आ जाएगा -10, क्योंकि यहाँ पर x+0 ये तो x ही होगा, और इधर सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो x आ गया 4, और यहाँ पर भी y+0 तो ये y हो जाएगा, और 2 को अगर -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -10। तो क्योंकि उसने कहा था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q, तो यहाँ पर जो P पॉइंट है देयरफोर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, जो P है ये है 4, एक्चुअली में यहाँ पर है 0 और y के फॉर्म का, तो इसीलिए सबसे पहले 0, और जो y है ये आया है -10, और इसी तरीके से जो q है ये है x, 0 के फॉर्म का, तो जो x की वैल्यू है ये आया है 4, तो इसीलिए 4, 0। तो जो q पॉइंट ये है 4, 0, और जो p पॉइंट है ये है 0, -10, और ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन नंबर 7 है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कह रहा है कि इफ़ द सेंट्रॉयड ऑफ ट्राइंगल ABC इन विच AA, BB, BC, and CC, A इज एट द ओरिजिन। तो ये कह रहा है कि ये एक ट्राइंगल है और इसका जो सेंट्रॉयड है ये O पे है, और यहाँ पे जो O है ये खुद ओरिजिन पे है, तो इसीलिए इसका X और Y 0 हो जाएगा, जबकि इसके तीनों वर्टिसेस यहाँ पर गिवन है। फिर ये कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ AQ + BQ +
सी क्यूब। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जैसा मैंने कहा था कि ये जो क्वेश्चन है, इसे प्रीवियस वीडियो के अंदर जो मैंने सेपरेट वीडियो एक बना रखा है जिसे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंशन किए हैं, तो उसके अंदर मैंने इसको क्यों लिया। जो सेंट्रोइड है वो इस साल के सिलेबस में नहीं है, बट क्योंकि एक सैम्पल पेपर में मैंने इस साल के जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर है उसके अंदर मैंने इसको देखा है, इसीलिए मैं इसको इसमें इस क्वेश्चन के साथ में मैं इसको सॉल्व करूँगा, ताकि आप इसको देख पाओ कि अगर इस टाइप का भी अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप किस तरीके से सॉल्व कर पाओगे। और ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये थोड़ा सा अटपटा, इसीलिए हमने इसको डिफिकल्ट बोर्ड क्वेश्चन ऑफ ऑल टाइम के अंदर इसको जगह दिया है। तो अभी यहाँ पर इसको करते हैं सॉल्व और देखते हैं कि इसका जो आंसर है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ये क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे कि इस जो ये ओ है, क्योंकि सेंट्रॉयड है, तो हम जानते हैं जो सेंट्रॉयड होता है, या अगर आपको नहीं पता है कि जो सेंट्रॉयड है इस कंडीशन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर की कैसे निकालते हैं, तो सेंट्रॉयड के लिए और सबसे पहले जो यहाँ पर गिवन है वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि जो हमको ये सारे पॉइंट्स जो दिए गए हैं गिवन में, ये है ए कॉमा बी, फिर उसके बाद है बी कॉमा सी, और फिर है सी सी कॉमा ए, इस तरीके से। और क्योंकि यहाँ पर जो ओ है ओ ज़ीरो ज़ीरो इज़ द सेंट्रॉयड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो इसीलिए हम यहाँ पर इस ज़ीरो ज़ीरो को, मतलब इस ओ को लिख सकते हैं इस तरीके से एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री, और इसी तरीके से y के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 2। तो यहाँ पर जैसे ये फर्स्ट पॉइंट है, तो इसके लिए ये जो वैल्यू है ये x1 y1 हो जाएगा, जो दूसरा पॉइंट है इसके लिए ये x2 y2 हो जाएगा, और जो तीसरा पॉइंट है ये हो जाएगा x3 y3। तो इस तरीके से जो सेंट्रॉयड है हम उसको इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर हम इन सब की वैल्यू पुट करें, तो ये जो x1 है ये हो जाएगा a, और फिर जो x2 है ये हो जाएगा b, और फिर जो x2 है ये हो जाए x3 ये हो जाएगा c और अपॉन में 3। तो यहाँ पर ये आ जाएगा o 0 कॉमा 0। और इसी तरीके से अगर इस y के लिए भी अगर हम लिखें, तो ये है b, और जो y2 है ये है c, और जो y3 है वो है a अपॉन में 2। तो यहाँ पर क्योंकि 0 कॉमा 0 है, तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमें ये लिखना पड़ेगा कि कंपेयरिंग एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि अगर हम वाई के अंदर देखें, वाई कोऑर्डिनेट को देखें, तो वो भी बी प्लस सी प्लस ए है, और इसको अगर हम अरेंज करें तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्चुअली में यहाँ पर थ्री, यहाँ पे मैंने टू लिखा हुआ है, तो अगर हम इसके न्यूमरेटर में देखें तो a प्लस बी प्लस सी, और इधर भी a प्लस बी प्लस सी, तो ये एक जैसा ही है, तो इसीलिए हम कोई भी एक कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करेंगे x कोऑर्डिनेट को, तो यहाँ पर ये जो ज़ीरो है ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और अगर इसके नीचे जो थ्री है अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये ज़ीरो के बराबर ही आ जाएगा। तो इसीलिए जो a प्लस बी प्लस सी है ये ज़ीरो हो गया, और इसको हम मानते हैं कि हमारा एक इक्वेशन वन है। तो अब इस इक्वेशन को लेके चलते हैं अगले स्लाइड पे और इसको फिर हम सॉल्व करेंगे। तो हमने इसको इक्वेशन वन दिया था, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि वी नो दैट कि जो हमारा फॉर्मूला है, वी नो दैट कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है ये होता है a प्लस बी प्लस सी, जो कि आपने क्लास नाइन्थ के अंदर पढ़ा होगा, फिर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये हमारा आइडेंटिटी है इसके लिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी के लिए। तो क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी जो है वो ज़ीरो के बराबर है, तो इसीलिए हम यहाँ पर ज़ीरो के बराबर लिख देंगे और बाकी सारा जैसे है वैसे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर स्क्वायर है ये, और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए
माइनस सी ए, और यहाँ पे हमें इक्वेशन वन को मेंशन करना पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन वन। तो क्योंकि ये जीरो के बराबर हो रहा है तो इसीलिए ये हो जाएगा जीरो। तो अब यहाँ पर जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी जो है वो जीरो के बराबर हो गया, और अगर इस माइनस थ्री ए बी सी को अगर हम इधर लेकर आएंगे तो ये हमारा जो आंसर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इसका आंसर आ जाएगा, तो इज इक्वल टू थ्री ए बी सी। तो इस तरीके से जैसा क्वेश्चन में कहा था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये क्या होता है, तो ये होता है थ्री ए बी सी के बराबर, और हम यहीं पर छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और एक बार इसे प्रीवियस स्लाइड में जहाँ से स्टार्ट हुआ था उसको भी देख लेते हैं, फिर इस दोनों को देख लेते हैं कि ताकि आप स्क्रीनशॉट आप इसका ले सको। तो ये है सॉल्यूशन का फर्स्ट पेज, और अब देखते हैं सेकंड पेज इसका। ये है सॉल्यूशन का सेकंड पेज, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और इसके अंदर कह रहा है कि ए 5.2 बी 2.-2 एंड सी -2.t आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विथ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर है ए बी सी, और यहाँ पे इनके वर्टिसेस दे रखे हैं, और ये कह रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल का वर्टिसेस है और एंगल बी यहाँ पर 90 डिग्री है। तो ये जो टी की वैल्यू है सी पे -2.t, ये जो टी है ये क्या होगा ये हमको पता करना है। तो सबसे पहले अगर हम इस सभी पॉइंट को अगर हम सबसे पहले हम गिवन में लिख लेते हैं, गिवन दैट कि जो हमारे पास जो पॉइंट्स है वो है ए 5.2 और जो बी है ये है 2.-2 और जो सी है ये है -2.t। तो इस तरीके से ये सारा गिवन है, और अब यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे बारी बारी से, और इन सभी का सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो इसीलिए अगर हम ए बी का डिस्टेंस अगर निकालें तो बाय डिस्टेंस फार्मूला जो ये ए बी है ये हो जाएगा x2-x1 और इसका स्क्वायर प्लस y2-y1 का स्क्वायर और अंडर रूट। तो ये हो जाएगा, अगर यहाँ पर हम इसको दूसरा पॉइंट मान लें, इसको पहला पॉइंट मान लें, तो x2 2-5 हो जाएगा 2-5 और इसका स्क्वायर और प्लस y2-y1 करेंगे तो ये है y2 और ये है y1, तो -2 और -2। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -2 और -2 और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर और प्लस -2 -2 -4 का स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16 और इस तरीके से इसका जो आंसर है ये आ जाएगा 25 अंडर रूट, और रूट 25 ये होता है 5। तो जो ए बी है ये आ गया 5 यूनिट, जो डिस्टेंस है 5 यूनिट। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर बी सी निकालेंगे, तो इधर ही हम निकाल लेते हैं, ये तो हमने ए बी निकाले तो डिस्टेंस फार्मूला से ही हम इसको भी निकालें। तो अब मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो इसीलिए -2 और फिर ये हो जाएगा -2 और -2 और इसका होल स्क्वायर और फिर प्लस y2, तो यहाँ पर है t और इधर है -2, तो ये हो जाएगा t प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर और ये हो जाएगा अंडर रूट। तो ये आ गया -4 का स्क्वायर, तो -4 और इसका स्क्वायर ये हो जाएगा 16 और इसको हम एज इट इज अभी रहने देंगे। तो अगर हम इसका स्क्वायरिंग इसको अभी हम रहने देते हैं, इसको अभी हम कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये जो है इतना यूनिट ये आंसर आ गया हमारा बीसी का। और इसी तरीके से अगर हम एसी को देखें, एसी को देखें तो यहाँ पर अगर इसी तरीके से फॉर्मूला लगाएं तो ये हो जाएगा x2-x1 मतलब -2 और फिर -5 और इसका स्क्वायर और प्लस y2-y1 मतलब t -2।
टी माइनस टू और इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस सेवन और माइनस सेवन का स्क्वायर ये हो जाएगा 49, तो 49 प्लस टी माइनस टू, टी माइनस टू और इसका स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पे जो भी हमने साइड निकाला है, जैसे कि हमने ए बी निकाला है, बी सी निकाला है और यहाँ पर ए सी निकाला है डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो इसको हम लेके चलते हैं अगले स्लाइड पे और वहाँ पे इसका जो आगे का जो प्रोसेस है वो हम करते हैं। तो यहाँ पे ए बी, बी सी और ए सी हमने ये नेक्स्ट स्लाइड पे ले लिया है और इस तरीके से हमारा ट्राइंगल बना हुआ था कि यहाँ पर ये जो पॉइंट था ये ए था और यहाँ पर बी, और बी पे 90 डिग्री था और इधर था सी, और इस तरीके से हमने सबसे पहले ए बी निकाला, फिर बी सी और फिर ए सी निकाला। तो क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम को ये ओबे करता है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो ए सी स्क्वायर है वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर इन सभी को स्क्वायर के फॉर्म में अगर हम लिखें, तो जो ए बी स्क्वायर है, देयर फोर जो ए बी स्क्वायर है, तो अगर हम हमारा जो आंसर है वो आया है 5 और इसका अगर हम स्क्वायर करते तो ये आ जाता 25। इसी तरीके से अगर हम बी सी स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका जो रूट है ये ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ ये आ जाएगा 16 प्लस टी प्लस टू और इसका होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बी सी स्क्वायर। और इसी तरीके से अगर हम ए सी स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 49 प्लस टी माइनस टू और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है हमने जितना भी ये रूट था ये सारा का सारा ये ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पर बाय पाइथागोरस थ्योरम हम ये लिख सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम जो ए सी स्क्वायर है इसको हम इधर लिख लेते हैं, ए सी स्क्वायर ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर, और जो जो हमने यहाँ पर वैल्यू लिखा है वो सभी को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जो ए सी स्क्वायर है ये है 49 प्लस टी माइनस टू और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर है उसके बाद ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर 25 है, और प्लस जो बी सी स्क्वायर है ये है 16 प्लस टी प्लस टू, टी प्लस टू और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम इस टी माइनस टू को इसका अगर हम स्क्वायर खोले तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू ए बी मतलब 4t, और इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 25 और 16। अगर हम इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 41, इधर है 41 और इधर है प्लस में हमारे पास में 49, और इधर भी अगर हम स्क्वायर खोले तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो मतलब प्लस 4t। तो यहाँ पर टी स्क्वायर और 4 ये सेम साइन है और दोनों इक्वल के साइन के आइदर साइड पे है, तो इसीलिए दोनों को हम कट कर देंगे और जो बाकी बचेगा हम उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 49 माइनस 40 इज इक्वल टू 41 और इधर बच जाएगा प्लस 4t। अब इस 4 को अगर हम इधर लेकर आते हैं तो ये आ जाएगा माइनस 4t और माइनस 4t और इधर बच जाएगा 41 माइनस 49। तो अब आ गया इधर माइनस 8t इज इक्वल टू माइनस 8 और अगर हम माइनस से माइनस अगर कट करें तो जो t है ये आ जाएगा 8 आ गया डिवाइड में, तो t की वैल्यू 1 आ जाएगी क्योंकि 8 से 8 यहाँ पर कट जाएगा। तो देयरफोर जो उसने कहा था कि t की वैल्यू पता करो, तो ये जो t की वैल्यू है ये आ गया है 1 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दोनों स्लाइड को बारी बारी से देख लेते हैं फटाफट। तो ये हमारा पहला स्लाइड था जिसको आप स्क्रीनशॉट जिसका ले सकते हो, और जो दूसरा स्लाइड है इसी तरीके से। तो ये दोनों मिला के आपका जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो गया है, आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हो। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और यहाँ पे कह रहे थे बेस बी सी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी लाइज ऑन वाई एक्सिस, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी आर 0, -3, द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अनदर पॉइंट डी सच दैट बी ए सी डी इज अ रोम्बस। अब मैं आपको ये सारा क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पर एक जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो लाई करता है जिसका बेस जो है वो इस वाई एक्सिस पे है, और इस वाई एक्सिस पे जो इसका बेस है
मतलब इस ट्राइंगल का ए बी सी का जो इक्वलेटरल ट्राइंगल है इसका बेस बी सी, ये वाई एक्सिस पे है जिसका मिड पॉइंट एम और ये ओरिजिन पे है। तो यहाँ पे कह रहा है ये जो ए है ये क्या पॉइंट होगा, जो बी है वो क्या पॉइंट होगा, और इसके बाद वो एक चीज़ और कह रहा है कि अगर हम यहाँ पर इस सी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं इस तरीके से, ये जो डी पॉइंट निकलेगा तो ये एक रोम्बस बनाएगा, मतलब बी ए सी डी मिल के ये एक रोम्बस बना रहे हैं। तो ये जो डी पॉइंट जो यहाँ पर होगा एक अलग से डी पॉइंट, इसका जो कोऑर्डिनेट है, इसका जो एक्स और वाई है ये क्या होगा, ये भी हमको पता करना है। तो करते हैं बारी बारी से सभी को फाइंड आउट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका कुछ ना कुछ एक नाम दे देते हैं कि ये है एक्स वन वाई वन कॉमा, और ये है एक्स टू वाई टू जो ये बी पॉइंट है, और जो सी पॉइंट है ये एक्स थ्री वाई थ्री है, और जो ये डी पॉइंट है ये है एक्स फोर और वाई फोर। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है आप इसको ये सोच के चलोगे कि ये एक्स फोर और वाई फोर है, और हमें इसमें से सभी के पॉइंट्स मतलब तकरीबन ए बी और डी इन सभी के पॉइंट्स हमको पता होना चाहिए। तो क्योंकि उसने कहा है कि जो एम है वो मिड पॉइंट है इस बी के लिए। अच्छा, सबसे पहले जो बारी बारी से जैसे ये बी पॉइंट है और ये वाई एक्सिस पे आ रहा है, तो ये जो है ये हो जाएगा वाई एक्सिस पे एक्स ज़ीरो होता है तो ज़ीरो कॉमा वाई टू हो जाएगा, और जो ए है ये हो जाएगा एक्स एक्स वन, और जो y है ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि x एक्सिस पे x की वैल्यू होती है, y ज़ीरो होता है, बाकी ये सब दिया हुआ है। और यहाँ पर भी जो ये x4 है ये कुछ ना कुछ एक वैल्यू रहेगा d के लिए, और y इसका भी ज़ीरो रहेगा। तो यहाँ पे हम ये सभी पॉइंट्स को, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो बारी बारी से सभी को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या पॉइंट्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले इस BC के ऊपर कॉन्सनट्रेट करते हैं, और ये जो M है ये दिया हुआ है कि जो BC है इसका मिड पॉइंट है। अच्छा, जो सबसे पहले है यहाँ पर आप जितना भी इसके अंदर गिवन पार्ट है वो सारा का सारा सबसे पहले आप लिख लिया करो, क्योंकि यहाँ पर जो गिवन दैट है ये है A X1 Y1, और जिसको हम यहाँ पर A को बोल सकते हैं कि ये X1 और कॉमा ज़ीरो होगा क्योंकि ये X एक्सिस पे है, और इसी तरीके से जो B है ये हो जाएगा 0 और y2, और जो यहाँ पर c पॉइंट है ये तो गिवन ही है हमको 0 माइनस 3, और जो यहाँ पर d पॉइंट है ये है x4 कॉमा 0। तो सबसे पहले सिंस m 0 कॉमा 0 is the midpoint of BC, तो इसीलिए यहाँ पर इस M के लिए लिख सकते हैं 0, 0, जो इसका पॉइंट है X1 plus X2 upon 2 और Y1 plus Y2 upon 2, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से X1 मतलब X1 plus X2 upon 2, क्योंकि मिड पॉइंट के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है इस तरीके से Y1 plus Y2 this is 1 upon 2, और अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा 0 plus 0 upon 2 X के लिए, 0 plus 0 upon 2 और Y के लिए हो जाएगा, तो एक्चुअली में यहाँ पे ये y3 है, y3 और y2 है, तो यहाँ पे ये होगा y3, और इसी तरीके से ये x3 और x2 हो जाएगा, तो जिसको हमने यहाँ पर लिखा है। तो y3 यहाँ पे y3 माइनस 3 है, और जो y2 है ये जस्ट y2 है, तो इसीलिए हम इसके जगह तो लिखेंगे माइनस 3 प्लस y2 को हम रहने देंगे और अपॉन में 2। तो इस तरीके से यहाँ पे जो m है 0, 0 इसको हम लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको हम अगले स्लाइड पे लेके चलते हैं और वहाँ इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ y को कंपेयर करेंगे क्योंकि x तो ज़ीरो ही है, कंपेयरिंग y कोऑर्डिनेट तो ये आ जाएगा 0, इधर से y 0 है और इधर से y ये है, तो इसीलिए माइनस 3 प्लस y2 अपॉन 2।
तो अगर इस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा। तो जो y2 है, अगर 3 इधर लेकर आए तो ये आ जाएगा पॉजिटिव में, मतलब y2 जो है पॉजिटिव 3 आ जाएगा। तो अगर हम देखें कि जो y2 है अपने डायग्राम के अंदर वो क्या है, यहाँ पे जो y2 है ये हमने मान रखा था इस b के पॉइंट के लिए, तो y2 यहाँ पर 3 निकल गया, तो जो x2 है वो 0 है और जो y2 है वो है 3। तो यहाँ पर जो b पॉइंट है, जैसा उसने कहा था कि कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, तो अभी सबसे पहले हमने b निकाला, तो ये जो b पॉइंट है ये निकल चुका है, ये है 0, 3। तो यही चीज़ हम यहाँ पर लिख लेंगे कि therefore कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 0, 3। तो एक तो बी पॉइंट ये निकल गया। अब यहाँ से हम सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट निकलने के बाद में जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब क्योंकि ये एक इक्वलेटरल ट्राइंगल है, तो इसीलिए ये बी का जो बी पॉइंट है ये हमने निकाल लिया। तो अब यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला से ए बी और ए सी को बराबर करके इस ए को भी निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि सिंस ए बी सी इज एन इक्वलेटरल ट्राइंगल। तो अब क्योंकि यहाँ पर ए बी सी जो है वो इक्वलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं, जो ए बी है वो बी सी के बराबर हो जाएगा। तो अगर ए बी और बी सी अगर दोनों बराबर है, तो यहाँ पे हम दोनों में डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं। तो अगर हम ए बी के अंदर डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, तो यहाँ पे ये दो पॉइंट्स है, तो इसीलिए क्योंकि x1 y1 और x2 y2 हमने ले रखा है इस ए बी के लिए, तो इसीलिए ये हो जाएगा x2 - x1 और इसका स्क्वायर, एक्चुअली प्लस, यहाँ पर प्लस y2 - y1 और इसका भी स्क्वायर। और अगर हम इस बी सी के लिए अगर हम लिखें, तो बी सी ये है, तो इसीलिए, और ये है x2 x3 y2 y3, तो इसीलिए सबसे पहले x कोऑर्डिनेट को अगर हम लिखेंगे तो x3 - x2 और इसका स्क्वायर और प्लस y3 - y2 का स्क्वायर। और क्योंकि इसके ऊपर जो रूट है ए बी बी सी के बराबर है, तो इस दोनों पे रूट आएगा, तो रूट से रूट कट जाएगा, तो इसीलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ हम इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे x2 - x1, तो जो x2 - x1 है यहाँ पे है 0 और ये है x1, तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे 0, 0 - x1 और इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो यहाँ पे है 3 - 0 और इसका भी स्क्वायर इज इक्वल टू x3 - x2। तो यहाँ पे x3 - x2 ये हो जाएगा 0 - 0 और इसका स्क्वायर और प्लस y3 - y2, मतलब y3 - 3 है और ये 3 है, तो इसीलिए -3 - 3 और इसका स्क्वायर। अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो जो x1 है इसकी वैल्यू निकल सकती है। तो यहाँ पे जो 0 - x1 है इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा x1 और इसका स्क्वायर, क्योंकि जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, और फिर उसके बाद है 9 इज इक्वल टू, इधर है 0 और प्लस, यहाँ पे अगर हम करेंगे तो 3 और 3 ये हो जाएगा माइनस 3 ये हो जाएगा -6, तो -6 और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आ गया x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 9 को अगर हम पीछे ले जाएं तो ये है 36, 6 का स्क्वायर माइनस जो है वो स्क्वायर से प्लस हो जाएगा, और इधर अगर हम लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा -9, मतलब 27। तो जो x1 है ये आ जाएगा 27 और क्योंकि इधर स्क्वायर है तो ये आ जाएगा रूट में, और जो भी आंसर होगा उसको हम प्लस माइनस में दिखा सकते हैं। तो जो x1 है ये आ जाएगा प्लस माइनस, और इसको रूट से अगर बाहर करेंगे तो ये होता है 3 × 3 × 3, मतलब जो 2 3 है उसका पेयर बनेगा और बाहर आ जाएगा, मतलब 3√3। तो यहाँ पे ये जो x1 है ये आ जाएगा प्लस माइनस 3√3। तो ये हमारे जो कोऑर्डिनेट्स ए के जो है वो निकल जाएंगे। तो ए क्योंकि हमने यहाँ पर जो लेट किया था ये x1 और 0 से लेट किया था, तो क्योंकि ये पॉजिटिव साइड पे है तो इसीलिए ये 3√3 हो सकता है। तो इसीलिए देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए ये हो सकता है कि या तो ये 3√3 0 हो, क्योंकि x की वैल्यू है y 0
या तो फिर जो a है वो माइनस थ्री रूट थ्री कॉमा ज़ीरो हो सकता है कि अगर वो नेगेटिव एक्सिस पे लाई करे तो। तो ये हो गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ a। अब देखते हैं हमने a, b और c तीनों के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं। अब देखते हैं जो d पॉइंट है जिससे कि ये रोम्बस बन रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स में आते हैं और इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर जो मार्क्स लेना है वो बहुत आसान नहीं होता, इसीलिए थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है ये टफ है। बट अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज अगर करो तो आपका जो आंसर है वो ज़रूर निकलेगा और इसी ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे अभी चलते हैं और देखते हैं जो ये डी पॉइंट है ये किस तरीके से इसका जो रोम्बस है वो निकलेगा। तो यहाँ पे ये डी पॉइंट जो है अब ये हमको पता करना है और जो ए पॉइंट है, तो मैं आपको जैसे बता रहा था जो ए है वो प्लस माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि जो ए पॉइंट अगर इस जगह पे हो तो हो सकता है कि ये थ्री रूट थ्री कॉमा ज़ीरो आ जाए, ऐसा हो सकता है। या तो ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर ये डी पॉइंट है ये हो सकता है माइनस थ्री रूट थ्री कॉमा ज़ीरो, या तो ये हो सकता है क्योंकि जो D है वही A पॉइंट हो सकता है। तो ये जो A है वो इधर भी आ सकता है क्योंकि इससे भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो इसीलिए उसने हमें दोनों तरफ का प्लस माइनस बताया है कि इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, इसीलिए मैथमेटिकली वो चीज़ आ गया है प्लस माइनस में। या तो जैसे कि अगर A यहाँ पे होता तो D यहाँ पे होता, अब A यहाँ पर है तो इसका मतलब D यहीं पर है, तो इसीलिए अब हम D पॉइंट को भी निकालते हैं। और D पॉइंट जैसे कि मैंने बताया कि जो ये A है जो a है यहाँ पर जो ये निकला हुआ है, अब यही चीज़ यहाँ पर ये निकलेगा माइनस थ्री रूट थ्री कॉमा ज़ीरो, क्योंकि तभी ये रोम्बस बन पाएगा। तो यहाँ पे जो x4 और 0 है ये भी हम निकाल लेते हैं। और हमें अब यहाँ पर क्या क्या गिवन है, एक तो हमें a पॉइंट पता चल गया है, m पता चल गया है, और यहाँ पे ये जो d पॉइंट है ये हम निकाल सकते हैं क्योंकि d से लेकर a तक यहाँ पर अभी ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि अभी हमको ये जो d पॉइंट है ये नहीं पता है। मैंने एक आपको ऐसे बताया है कि अगर a इधर हो तो d इधर हो सकता है, क्योंकि हमारे पास में जो a का जो आंसर अभी अभी आया था वो प्लस माइनस करके आया था, तो अगर a इधर होगा तो इधर d हो जाएगा। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर x4 और 0 ये हमको निकालना है ये d पॉइंट, हालांकि आंसर निकला हुआ है फिर भी क्योंकि हमने ये a के थ्रू निकाला था, बट अब हम d के हिसाब से निकालते जो हमने इस डायग्राम के अंदर बना रखा है। तो यहाँ पर D जो है वो x4 कॉमा 0 है, A यहाँ पर निकल चुका है और M भी हमको पता है। तो इस तीनों पॉइंट्स को हम एक बार लिख लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने तीनों पॉइंट्स लिख लिए, जो D है वो x4 कॉमा 0 है जो हमको पता करना है, और जो A है ये अभी अभी हमने निकाला है थ्री रूट थ्री कॉमा 0, और जो M है वो 0 0 है, ये ओरिजिन है। तो रोम्बस होने के लिए जो डी ए है इसको डायगोनल होना पड़ेगा, और अगर ये डायगोनल है तो एम इसका ज़रूर मिड पॉइंट होगा। मतलब जो रोम्बस है इस तरीके से जैसे हमने बना रखा है यहाँ पे इस तरीके से, तो हम जानते हैं कि जो रोम्बस होता है वो उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इसीलिए अगर यहाँ पर डी है और यहाँ पर अगर एम है और यहाँ पर ए है, तो ए हमने निकाल लिया है, एम ओरिजिन पर है और डी हमको पता करना है। तो यहाँ पर जो M है वो मिड पॉइंट है इस AD के लिए, तो हम मिड पॉइंट के लिए जो फॉर्मूला आता है हम उसको लिख लेंगे। तो इसीलिए बाय सेक्शन फॉर्मूला फॉर द मिड पॉइंट तो इसके लिए अगर हम लिखेंगे तो m हो जाएगा 0,0 और ये हो जाएगा x1 प्लस x2 मतलब x4 प्लस 3 रूट 3 x4 प्लस 3 रूट 3 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, मतलब यहाँ पे ad जो है 0 प्लस 0 अपॉन 2 हम लिख सकते हैं, 0 प्लस 0 अपॉन 2 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस दोनों को अगर इक्वेट करके और फिर बराबर करके अगर लिखे तो ये जो x है वो इस x के बराबर हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए बाय कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू x4 प्लस 3 रूट 3 अपॉन 2 और ये जो 2 है अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0। तो जो x4 है
ये यहीं पे रह जाएगा और जो 3√3 है वो इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -3√3। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आंसर है वो तो यही आने वाला है, आंसर तो दिमाग में आ चुका है, बट हमें करना कैसे है तो ये तरीका रहेगा। तो देयरफॉर जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स है, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स जो है इज डी -3√3, 0। तो इस तरीके का पॉइंट आएगा। तो ऑल द रिक्वायर्ड पॉइंट्स जो है वो क्या क्या हो गया, ऑल रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, तो हमें ए निकालना था, तो ए है क्योंकि डी का अपोजिट था, तो ये हो गया था 3√3, 0। उसके बाद में जो बी पॉइंट है ये हमने निकाला था, एक बार हमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस सेकेंड वाले स्लाइड पे 0.3 है इस बी के लिए, वही हम यहाँ पर लिख लेंगे 0.3। और एक हमको डी पॉइंट निकालना था, तो जो डी है ये आया है 3√3, 0। तो इस तरीके से ए बी और डी ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है ये हमने निकाल लिए हैं और ये हमारा जो सॉल्यूशन है ये हो गया। तो यहाँ पे मैं बारी बारी से आपको तीनों स्लाइड आपको दिखाता हूँ और आप आराम से इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले सकते हो। तो ये हो गया हमारा पहला स्लाइड, फिर तो ये है सेकेंड स्लाइड और ये है थर्ड स्लाइड और यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और इसके अंदर कह रहे हैं कि द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट पी इज ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट। जो ये पी पॉइंट है इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, जो यहाँ पे एक्स आएगा वो इस वाई के इस दूसरे वाले वाई जो कोऑर्डिनेट है उसका इसका ट्वाइस है। और फिर ये कह रहा है कि इफ़ पी इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम क्यू 2, -5 एंड आर -3, 6। तो ये कह रहा है कि क्यू से ये जो पी है और R से जो P है वो बराबर दूरी पर है, तो ये जो P पॉइंट है वो क्या होगा। तो यहाँ पर हमें लेट करना पड़ेगा कि कोई एक मान लेते हैं यहाँ पर B मान लेते हैं कि अगर जो Y कोऑर्डिनेट है ये अगर B होगा तो ये हो जाएगा 2B। तो यहाँ पे वही चीज़ हम लिख लेते हैं कि लेट Y कोऑर्डिनेट ऑफ P B। तो यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है therefore x कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा 2B, मतलब यहाँ पर ये 2B और ये B हो गया। तो ये हमारा जो P पॉइंट है ये आ गया, जो कि इसका एक ये जो x है ये 2B हो गया और ये जो y है वो B हो गया। तो ये बराबर दूरी पर है, तो यही बात हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि सिंस P is equidistant from Q and R, therefore जो PQ is equal to PR के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पर distance formula लगाए तो ये हो जाएगा 2B x2 - x1, मतलब 2B - 2 और इसका स्क्वायर, और प्लस y2 - y1, मतलब b - 5। तो ये हो जाएगा +5। तो ये हमने लिख लिया PQ के लिए, और इसी तरीके से अगर हम PR के लिए लिखें यहाँ पे तो ये हो जाएगा -3 और -2B, मतलब x2 - x1 -3 - 2B और इसका स्क्वायर और प्लस y2 - y1। तो यहाँ पे है 6 और इधर है b, तो ये हो जाएगा 6 - b और इसका भी स्क्वायर। तो क्योंकि इस दोनों के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं तो रूट आ जाएगा और रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर भी रूट नहीं लगाएंगे और सीधे सीधे इसको हम कर देंगे सॉल्व। तो यहाँ पर a - b का जो होल स्क्वायर है ये हो जाएगा a², मतलब 4b² a² प्लस b², मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है, और -2ab, तो -8b
इसी तरीके से अगर हम इस b प्लस 5 का स्क्वायर लिखें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 25 और प्लस 2ab मतलब 10b इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम माइनस 3 और माइनस 2b के लिए लिखें तो एक्चुअली माइनस 3 और माइनस 2b ये हो जाएगा 3 प्लस 2b के बराबर। जैसे यहाँ पे मैं आपको ये बात समझा दूँ कि अगर माइनस 3 माइनस 2b है और इसके ऊपर अगर स्क्वायर लिखा है और अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2b और इसके ऊपर स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से जो ये माइनस है ये कट जाएगा और ये बच जाएगा 3 प्लस 2b और इसका स्क्वायर। तो इसीलिए हम यहाँ पर माइनस 3 माइनस 2b का जो स्क्वायर है वो 3 प्लस 2b का होल स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए इसके लिए अगर हम फॉर्मूला लिखें तो ये आ जाएगा 9 प्लस मतलब ए स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 हो गया और 2b स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर और प्लस 2ab तो ये हो जाएगा 3 × 6 × 12 तो 12b। फिर उसके बाद है यहाँ पे 6 माइनस बी इसका होल स्क्वायर तो प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 12b एक्चुअली स्क्वायर नहीं आएगा इसके ऊपर, ये तो लास्ट है। अब यहाँ पर क्योंकि 4b स्क्वायर हम देख रहे हैं ये प्लस का है और 4b स्क्वायर इधर भी प्लस का है तो ये कट जाएगा, उसके बाद b स्क्वायर यहाँ पे प्लस का है और इधर भी b स्क्वायर प्लस का है तो ये भी कट जाएगा और जो बचेगा उसको हम अब यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इधर से बच जाएगा माइनस 8 और प्लस 10 तो ये हो जाएगा प्लस 2b प्लस 2b और इधर है 4 और प्लस 25 तो ये आ जाएगा 29 इज इक्वल टू के इधर जो ये नंबर है यहाँ पर 12b और माइनस 12b तो ये कट हो जाएगा और सिर्फ बच जाएगा इधर से 9 और इधर से 36 तो 9 और 36 ये हो जाएगा 45 और अब हम इसको कर देंगे सॉल्व। तो इसको लेके चलते हैं अगले स्लाइड पे और अगले स्लाइड पे इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे जो 2b है वो हम रहने देंगे और ये आ जाएगा 45 माइनस 29 तो ये आ जाएगा 15 माइनस 9 6 और 3 माइनस 2 1 और जो 2b यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा डिवाइड में तो 2 × 8 = 16 और ये आ गया हमारा b। तो देयरफोर जो b है ये आ गया 8 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उसने कहा था जो b है उसकी वैल्यू निकालने के लिए तो ये आ जाएगा 8। अब दोनों स्लाइड को बारी बारी से देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला स्लाइड है तो यहाँ पे ये जो दोनों मतलब जो x और जो y है ये दोनों निकल चुका है और इसको देखते हैं अगले स्लाइड पे। तो यहाँ पे हो गया b और जो 2b है 2b अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 8 × 2 = 16 देयरफोर यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट्स है रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ p इज तो 2b मतलब कि 16 और कॉमा सिर्फ b तो ये हो जाएगा 8 तो 16, 8 ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया। अब इस तरीके से जो दोनों स्लाइड है दोनों स्लाइड को हम देख लेते हैं कि जो हमारा आंसर है वो किस तरीके से आया है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये हो गया हमारा पहला स्लाइड। अब देखते हैं दूसरे स्लाइड को, ये हो गया हमारा सेकेंड स्लाइड। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है ये कंप्लीट हो गया। तो ये टोटल 11 क्वेश्चन थे इस चैप्टर के अंदर जिसको हमने इस वीडियो के अंदर कवर किया। और अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से मैं जितने भी चैप्टर है उस सभी का बोर्ड क्वेश्चन अगर मैं लेकर आऊँ, बोर्ड क्वेश्चन जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन लेकर आऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में इस बारे में मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं सॉल्यूशन जो है बाकी सारे चैप्टर्स का लेकर आऊँ। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो अगर आपने इसको फुली वॉच किया है और अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करना और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि इसी तरीके से बोर्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो टिप्स है ट्रिक्स है वो मैं लेकर आने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।